हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने लास्ट लेक्चर दैट इज स्टेट ऑफ मैटर वो ले लिया होगा। आज हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता देती हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो पीछे आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी, तो उसको इग्नोर कर कर और अपने टॉपिक पर, अपनी स्टडीज पर हम ध्यान देते हैं। ओके, व्हाट हैपन व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्या होगा अगर हम हीट को सॉलिड पर सप्लाई करें। अगर हम हीट को सॉलिड पर सप्लाई करें तो तब क्या होएगा। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट भी लेक्चर में समझाया था, स्टेट ऑफ मैटर में मेल्टिंग होती है। तो देखिए क्यों होती है मेल्टिंग। अगर हम हीट अब सप्लाई कर रहे हैं सॉलिड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स का वो डिक्रीज होएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से मेल्ट होएगा सॉलिड और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज, इसको मैं डिक्रीज लिखती हूँ। डिक्रीज, आप चाहे तो फुल फॉर्म में लिख देना, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, डिक्रीज होएगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज एंड अल्टीमेटली इट मेल्ट्स। जब वो डिक्रीज हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो भाई वो मेल्ट ही होएगा, वो बुध बनकर तो बैठा नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, मेल्ट्स एंड द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। Changes into a liquid. ओके, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट्स आपके पास आ गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे की, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। टेम्परेचर जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हुए लिक्विड में, उसको क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होए अगर हम हीट सप्लाई कर दें सॉलिड के लिए। अभी हमने हीट लिक्विड पे सप्लाई करी थी, क्या होए अगर हम लिक्विड पर हीट सप्लाई करें। लिख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन हीट is supplied to a liquid। अभी हमने सॉलिड पर करी थी, अब हम लिक्विड पर कर रहे हैं हीट, क्या होगा। देखिए, अब लिक्विड जो होएगा, हम उस पर हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। गैस में भी किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, गैस और वेपर दोनों अलग अलग होते हैं, मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ, आगे समझाऊंगी कि कैसे होते हैं। ओके, तो फिलहाल हम इतना पढ़ते हैं कि जो हीट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं लिक्विड पर, तो वो चेंज हो जाएगी आपके गैस के फॉर्म में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही। आंसर वही है, बस यही है कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सॉलिड चेंज इन लिक्विड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, देन लिक्विड चेंज इन गैस। ओके,
ठीक है, सेम एज जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन वन बताया था बिल्कुल उसके सेम है, ठीक है। तो ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, गैस में भी वेपर में, वेपर फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी। ओके, वेपर फॉर्म की मैं डिटेल बताऊंगी आपको आगे, जब अभी मैं आपको आगे बताऊंगी एकदम से बता दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड आपको बताती चली जाऊंगी मैं आपको। अब देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, वो इंडिकेट करता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो इंडिकेट करता है। तो यानी कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर विल बी ए मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर बता रही हूँ, ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट, हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होएगा, ठीक है, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जो एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये याद करने वाली सबसे ज़रूरी बात है, इसमें इसको याद नहीं किया तो कंफ्यूज रहोगे बिल्कुल। तो ध्यान रख से बिल्कुल सोच समझ कर इसको याद करो, अपने माइंड में बिठा लो इसको, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब 0 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब हो गया 273.16 केल्विन। देखिए, आप ना 16 को इग्नोर भी कर सकते हैं, 273 केल्विन इज़ मेन। ओके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 273 केल्विन। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 273 केल्विन। ओके, अब जो प्रोसेस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है उसको मेल्टिंग कहते हैं और उसको फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ फ्यूजन? प्रोसेस कन्वर्टिंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड, ठीक है, फ्यूजन। प्रोसेस इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं और फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग सॉलिड, प्रोसेस कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन या फिर मेल्टिंग हम उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं, केल्विन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सबसे पहले हम बात देखते हैं लेटेंट क्या होता है। देखिए, हमने लेटेंट समझ लिया तो हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें समझ में आ जाएगा। पहले हम हेडिंग डाल देते हैं ज़रा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वर्ड लेटेंट मीन्स, इसका मतलब होता है हिडन, हिडन यानी के छुपना, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहला रहा है कि
कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेटेंट छुपना यानी कि सॉलिड छुप गया लिक्विड शो हो गया हमें, तो जो एनर्जी यूज होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको इससे सही से समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि देखिए लेटेंट हिडन हीट गर्माई, फ्यूजन मतलब हो गया मेल्टिंग, तो यानी कि जो एनर्जी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो यूज हो रही है उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, समझ में आ गया आपको, लिख लेते हैं हम, जब समझ में आ गया है तो अब हम लिख भी लेते हैं इसको। ऑफ हीट एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक की शॉर्ट फॉर्म में ही है एटीएम, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, क्या कहलाई जाती है वो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाई जाती है, यानी कि वो मैंने अभी आपको बताया था कि एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कहलाया जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने बताया था अभी आपको जो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन है, यानी ये बता रहे हैं कि ये ज़्यादा एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वाटर पर वो ज़्यादा एनर्जी पॉज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ए सॉलिड एट अ सेम टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ए सॉलिड एट ए 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, लिखने की कोई गुंजाइश तो होगी नहीं, चलिए फिर भी लिख देती हूँ, ठीक है। पार्टिकल्स इन लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन हैज मोर एनर्जी देन सॉलिड एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर जो सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स कम होंगे लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनके डिफरेंस जो उनके जो बीच में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 डायग्राम्स की जो पिछले वाले लेक्चर है इसमें नहीं, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको 3 डायग्राम्स बताए थे सॉलिड लिक्विड और गैस के, तो उसमें आपने देखा था जो स्पेस है लिक्विड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इसकी वजह से एनर्जी उनमें ज़्यादा होगी। जब हम हीट सप्लाई करते हैं लिक्विड के तो जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं, लिक्विड
जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी जो इन टर्म जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है और इसलिए जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो वेपर में चेंज हो जाता है। अब देखिए जो ये जो चेंज होने लिक्विड और वेपर का जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको हम क्या उस वो किससे होता है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट से। बॉयल को जब हम लिक्विड को बॉयल करेंगे तभी तो वह वेपर बनेगा। तो हम उसके बॉयलिंग की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है कंप्लीटली, उसको क्या कहते हैं हम, बॉयलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। ओके, तो व्हाट इज बॉयलिंग पॉइंट? बॉयलिंग पॉइंट इन विच टेम्परेचर एट विच लिक्विड, देखिए भाई टेम्परेचर का बहुत मेन रोल है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर एट विच सारी चीज़ें टेम्परेचर की ही हेल्प से होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर कंप्लीटली, मतलब अच्छी तरीके से वो वेपर में चेंज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज, क्या कहलाई जाती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट वो हुआ, ठीक है, तो इट इज़ नॉन एज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। ओके, बॉइलिंग जो होता है ये बक फिनोमिना होता है। बक फिनोमिना क्या होता है कि जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बक, बक का मतलब देखिए, सबसे पहले बक का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि जो पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं हम, बॉइलिंग इज ए बक फिनोमिना। ओके, बक फिनोमिना, ठीक है, बक फिनोमिना मैंने आपको बताया, जो पार्टिकल्स बक में प्रेजेंट हैं यानी लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं दे गेन एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू अ वेपर। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। बॉइलिंग पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, हम बात करते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कह रहा है, लेटेंट अभी बताया था, हिडन हीट गर्म, और वेपराइजेशन यानी कि वेपर में कन्वर्ट होना, तो आपको मैंने तोड़ तोड़ के समझा दिया, समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो हीट हमें चाहिए 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड, 1 मोल लिक्विड को इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, जो पार्टिकल्स होते हैं वेपर के वो स्टीम होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टीम होते हैं ताकि वो ज़्यादा एनर्जी लें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम के वो ज़्यादा एनर्जी रखते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। अब मैं तीनों की ज़रा आपको तीनों की बताऊँ बातें, जो आप लिक्विड वेपर और सॉलिड तीनों का ज़रा कंपैरिजन पहले ही भी बता देती हूँ आपको, फिर उसके बाद में वेपर लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपर का थोड़ा सा आगे बताऊँगी मैं, ठीक है।
आपका सबसे पहले आता है सॉलिड, देन लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में और लिक्विड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है। अब देखिए, जो लिक्विड होता है, जो सॉलिड और लिक्विड होता है, उनके बीच में क्या क्या होता है भाई? जब सॉलिड है, ये सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड भी तो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, हम उसको फ्रीज करेंगे तो। तो देखिए, सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है? फ्यूजन पर, मेल्टिंग पर। सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी किस में थी? लिक्विड में थी। पॉसेस मोर एनर्जी, देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी थी इसमें, ओके। अभी अभी सिर्फ यहीं पर ही है, अभी आगे मैं गैस पे नहीं गई हूँ, अभी सॉलिड और लिक्विड की बात सुनिए। सॉलिड फ्यूजन से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, भाई लिक्विड ने कहा भाई हम क्यों बचे, हम भी कन्वर्ट होंगे वापस सॉलिड में, ठीक है। सिर्फ सॉलिड की मर्जी थोड़ी ना चलेगी, हमारी भी चलेगी। तो लिक्विड ने कहा हम भी सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, तो ये कैसे कन्वर्ट हुए? ये हुए सॉलिडिफिकेशन से, सॉलिडिफिकेशन, या फिर हम इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं। फ्रीजिंग करने पर ये जो होते हैं कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में, समझ में आया। नेक्स्ट, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, ओके। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो गैस ने कहा भाई जब लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो तो हम भी भाई वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। लिक्विड लिक्विड देखिए, लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट होता है, ध्यान रखिएगा ज़रा। तो लिक्विड अब गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो गैस ने कहा जब लिक्विड हम में कन्वर्ट हो रही है तो हम भी वापस इसमें जाएंगे, हम ही क्यों घूमते रहें, हमें भी थोड़ा आराम चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, लिक्विड ने गैस में कन्वर्ट होने के लिए वेपराइजेशन किया, वेपर्स बनाए अपने, वेपराइजेशन। अब गैसेस ने लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कंडेंसेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इतना तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब भाई ये सॉलिड और गैसेस बचे, तो इन्होंने कहा कि जब हम आपस में इतने कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्यों ना हम डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो जाएं। सॉलिड ने और गैसेस ने एक एक प्लान बनाया, इन्होंने कहा कि जब हम इतने लंबे लंबे प्रोसेस से कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, तो क्यों ना हम डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, सॉलिड ने गैस में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस बनाया, सब्लिमेशन। जिससे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, गैसेस ने भी एक प्रोसेस बना लिया, हम भी सॉलिड में कन्वर्ट होंगे वापस, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी का ही पढ़ा रही हूँ सारे, मुझे क्या ज़रूरत आपको इतना उलझाने की, सब मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट विच विल मोर आउट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and latent heat of vaporization, latent heat of fusion और latent heat of vaporization में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है? तो देखिए, जो latent heat of vaporization है वो 7 times है latent heat of फ्यूज़न के, वाटर के केस में। क्यों? क्योंकि ये हम आसानी से ये
अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करते हैं पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। आप ही पार्टिकल्स जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स यानी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो स्टीम हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 7 times द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका ओवर जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाता है, उसको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। मैंने आपको बताया था गैस और वेपर दोनों अलग अलग होते हैं, तो अब उसका डिफरेंस देख लेते हैं। गैस एंड वेपर का डिफरेंस बहुत छोटा सा समझिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, जो गैस होती है ये स्टेबल होती है, ठीक है, ये हमेशा स्टेबल स्टेट में रहती है, जबकि जो वेपर होता है वो अनस्टेबल स्टेट में रहता है। ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल स्टेट। जो गैस होती है ये चेंज नहीं होती लिक्विड में इजिली, नॉट चेंज इनटू लिक्विड इजिली, इनटू लिक्विड इजिली। जबकि जो वेपर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड में आसानी से, चेंज इनटू लिक्विड इजिली। अब देखिए कैसे होते हैं, आपने देखा होगा जब आप चाय बनाते हैं या आपकी मदर दूध गर्म करती हैं या वाटर उबालती हैं तो उसमें से भाप निकल रही होती है ऊपर। अब उसको उसके ऊपर ढक्कन ढक दो, सब्जी बनती है तब भी हमने देखा ये, उस पर ढक्कन ढक दो, थोड़ा सा कूल करो, गैस का फ्लेम बंद कर दिया हमने, जब हम कूल होने के बाद उसका ढक्कन उठाते हैं तो देखते हैं उसमें पानी पानी की बहुत सारी बूंद होती है। तो यानी कि जो भाप हो रही थी वो तो थी वेपर, अब वेपर ठंडी हुई तो जो ढक्कन था उसके ऊपर उसने अपने सारे लिक्विड पार्टिकल्स छोड़ दी, तो इसलिए वेपर आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट एग्जिट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर भी गैस की ही तरह रहती है, गैस जो होती है आपका ऑक्सीजन हो गया, गैस का गैस ही रहता है। कभी देखा ऑक्सीजन को लिक्विड में? कभी आपने देखा कि आप लिक्विड इनहेल कर रहे हैं? हमेशा आप गैस ही इनहेल करते हैं, ऐसी वेपर में हो गया। वेपर जो होती है वो लिक्विड में एग्जिट होती है रूम टेम्परेचर पर, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था वो ढक्कन वाला। ठीक है, तो एग्जिट एट एग्जिट एज, यहाँ पर एज आएगा एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एग्जिस्ट रहती है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं हम कि जो वेपर है वो यूज़ होता है उन गैसेस के लिए जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपको बताया मैंने, उनके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्रोमीन, यहीं पे लिख रहे थे ऊपर ही, इतना आगे क्या बनाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हैं, इसके भी एग्जांपल हम देखेंगे, इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। वेपर का एग्जांपल होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, वाटर है इसका एग्जांपल, एक लिख लेते हैं हम वाटर, जिसे हम वाटर वेपर्स भी फिर बोलते हैं, वो वेपर्स उड़ जाते हैं, वाटर वेपर बन के उड़ते हैं, अपने वाटर छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया आपका, ये जो होते हैं फ्लोरीन हो गया और
और भी बहुत होते हैं, क्लोरीन हो गया, ये सब जो होते हैं ये गैसीय होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर भी डिपेंड होता है। ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर विल बी ए बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर विल बी मेल्टिंग पॉइंट एंड एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सबलिमेशन की। इतना हो गया। अच्छा चल, सबलिमेशन से पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन और बता के देखती हूँ कि जो ये होता है एयर टाइट बॉटल्स में परफ्यूम को क्यों रखा जाता है। लिखिए क्वेश्चन। ओके, व्हाई डू वी कीप परफ्यूम एट एयर टाइट बॉटल। ठीक है, क्योंकि वो आसानी से वेपराइज हो जाते हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको एयर टाइट में रखते हैं ताकि वो वेपराइज ना हुए। ठीक है, ड्यू टू ड्यू टू देयर वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल का मतलब होता है इजिली वेपराइज, जो कि आसानी से उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा स्प्रिट होती है घर में, आसानी से उड़ जाती है, या फिर उसको पता है स्प्रिट किससे बनती है, मिथाइल अल्कोहल से। आप मिथाइल अल्कोहल को स्प्रिट बोलते हैं। पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, जो नेल पॉलिश की रिमूवल में प्रेजेंट, जब हम नेल पॉलिश रिमूव करते हैं ना तो जो एसीटोन उसमें प्रेजेंट, उसमें एसीटोन प्रेजेंट होता है, वो जिसकी वजह से नेल पॉलिश जल्दी उड़ जाती है, ये वेपरोट हो जाता है, इसलिए हम इन सबको एयर टाइट बॉटल्स में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इन अपने आते हैं टॉपिक सब्लिमेशन पर। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होता है, मैंने अभी जब बताया था ना आपको, जब चार्ट बना रही थी, तो जो सब्लिमेशन प्रोसेस वेयर सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड, इनटू ए सॉरी वे सॉलिड चेंजेस इनटू ए गैस इज नॉन एज सब्लिमेशन। ठीक है, सॉरी मेरा, चलिए कभी कभार हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें सॉलिड चेंज होता है आपका, इसमें सॉलिड चेंज होता है गैस में बिना लिक्विड बने, डायरेक्टली चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। हमने देखा है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में, हम बात कर लेते हैं ज़रा। इतना तो सब्लिमेशन के बारे में पता चल गया, गैसेस के लिक्विफिकेशन के बारे में हमने देखा है कि जो क्या क्या कभी आपने सुना है ड्राई आइस के बारे में? सुना होगा ज़रूर। ड्राई आइस जो होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? क्या वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है, उसको हम सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जब हम डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है, व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन टेम्परेचर जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और इसीलिए जो प्रेशर हो जो होता है वो भी इंक्रीज, हम प्रेशर इंक्रीज इसी तरीके से, ठीक है, साइमल्टेनियसली, या लाइक दिस डाल देती हूँ, ठीक है, लाइक दिस इंक्रीज
इफ प्रेशर इंक्रीज, देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज एंड हैंस जो CO2 है वो सॉलिड बन जाती है. CO2 गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड. ठीक है, समझ में आया. जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, विच इज नोन एज ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है. टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ मेजरिंग प्रेशर एग्जर्ट बाय गैस. ठीक है, तो जो प्रेशर, मेजरिंग प्रेशर गैस के जरिए एग्जर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कोई वो नहीं है. पास्कल की बात करते हैं, ऐसा यूनिट है ये प्रेशर की. ठीक है, ये आपके सबसे ज़रूरी है पास्कल, PA. ऐसा यूनिट है प्रेशर की, यूनिट ऑफ प्रेशर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, और 1 atm में, यानी कि 1 atmospheric प्रेशर में 1.01 × 10⁵ पास्कल, यानी कि 1.01 × 10⁻²⁰ किलो पास्कल. ओके, एक ATM में कितने पास्कल होते हैं? 1.01 × 10⁵ पास्कल और 1.01 × 10⁻²⁰ किलो पास्कल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बता दिया. एक बात और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सुन लीजिए कि सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो 1 होता है, और इसी ही हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक. व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है? Evaporation is the phenomena of changing a liquid into a vapor below its boiling point. यानी कि बिना बॉयल किए हुए जो आपका जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है और अपने कुछ पार्टिकल्स छोड़ जाता है, उसको कहते हैं, पार्टिकल्स भी नहीं छोड़ता, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसको कहते हैं हम evaporation. अब हम बात करते हैं evaporation की. इवेपोरेशन क्या होता है? द फिनोमिना चेंजिंग ए लिक्विड इनटू अ वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन. यानी कि जो आप बिना बॉयल किए हुए जो लिक्विड वेपर में चेंज हो रही है उसको इवेपोरेशन कहते हैं. ठीक है, तो लिख लेते हैं द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग a liquid into vapor below its boiling point is known as evaporation. What is evaporation? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इंटू वेपर. ये इसको हम एक चीज एक नेम से और बुलाते हैं, वेपराइजेशन. वेपराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा. ये सरफेस फिनोमिना है. इट इज ए सरफेस फिनोमिना. ये सरफेस फिनोमिना है. ठीक है, अब हम बात, इतना तो हमारी समझ में आ गया इवेपोरेशन के बारे में. हम इवेपोरेशन का ज़रा लेते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इवेपोरेशन पे. तो इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर ऑन इवेपोरेशन। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या? देखिए, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी फील कोल्ड आफ्टर टेकिंग ए बाथ विद अ हॉट वाटर। हम गर्म पानी से नहाने के बाद कोल्ड क्यों फील करते हैं एज कम्पेयर टू अ कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर में हम नहीं करते फील कोल्ड, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि जो हम अगर हम कोल्ड वाटर से नहाते हैं तो हम जब तक नहाते हैं, जब तक हम बाथिंग करते हैं, जब तक हमें कोल्ड लगता, कोल्ड फील होता है, लेकिन उसके बाद हमें कोल्ड फील नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई इवेपोरेशन वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर हम हॉट वाटर से बाथिंग करते हैं तो हमें उसके बाद कोल्ड इसलिए फील होता है क्योंकि हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है हॉट होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है, हमें ठंड लगती है। ओके, हम कोल्ड फील करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आपको मैं एक बात बताऊं कि जो समर होता है उसमें टेम्परेचर हाई होता है गर्मियों में, और एस कम्पेयर टू ए विंटर सीजन, विंटर में टेम्परेचर हाई नहीं होता है, तो इसलिए इवेपोरेशन जो होता है वो समर में अच्छा होता है, इवेपोरेशन विंटर में अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वो हॉट जो टेम्परेचर होता है उसमें, हायर टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा बात हमने समझ लिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवेपोरेशन, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, दैट इज इफेक्ट ऑन इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर का तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो ये हम समझेंगे बुक में से। अब देखिए, इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग कॉज करता है, ध्यान रखिएगा, इवेपोरेशन कॉज ए कूलिंग। ना फर्स्ट क्वेश्चन, क्या होएगा जब हम पोर करते हैं एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम पर? जब हम अपने हाथ पर नेल पॉलिश रिमूवर रखते हैं तो हमें क्या फील होता है? तो हम फील करते हैं कोल्ड, फील करते हैं जब हम नेल पॉलिश को अपने पाम पर रखते हैं। क्यों फील करते हैं हम कोल्ड? क्योंकि जो हमारा पाम है इसके अंदर हीट होती है। अब इसके अंदर, पाम के अंदर हमारी हीट होती है तो वो जो हमारा नेल पॉलिश है उसको वो हीट देती है, जिसकी वजह से हम कोल्ड फील करते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है और हम कोल्ड फील करते हैं। आपने देखा होगा कि हॉट सीजन में, हॉट सनी डे में लोग अपने रूफ पर या फिर ग्राउंड पर पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लार्ज वेपोराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वाटर का, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो कूल हो जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया आपका? एग्जांपल एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। ये एग्जांपल्स आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। हम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं समर में? इसलिए हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं समर में क्योंकि उसके, कॉटन क्लोथ जो होते हैं उनके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि हमारा जो वेपोराइजेशन होता है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं सरफेस के, लिक्विड के, वो एनर्जी ले लेते हैं सराउंडिंग से, बॉडी सरफेस की। हमें पसीना आता है, देखिए हमें आता है पसीना, हमारे अंदर से वाटर निकलता है बाहर गर्मियों में। अब उसमें है पोर्स कुछ कॉटन क्लोथ्स में, तो जो लिक्विड है वो एनर्जी ले रहा है हमारे बॉडी सरफेस से, और जो कि फिर फर्दर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड फील होता है। इसलिए कॉटन क्लोथ्स जो होता है हमारे लिए वो हेल्पफुल होते हैं और वो वाटर एब्जॉर्बर होते हैं कॉटन क्लोथ्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जो ठंडा आपका आइस कोल्ड वाटर जो होता है आपका, जिसमें आइस होता है, हमने ग्लास के बाहर हमें क्यों पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं? देखिए, जो पार्टिकल जो आपका जो सरफेस है, एयर जो है उसमें वेपर्स प्रेजेंट हैं। अब उन्होंने देखा हॉट है वो, उन्होंने देखा कि एक ठंडी चीज़ बाहर निकल कर आई है, ठीक है, ग्लास आइस का ग्लास बाहर निकल कर आया, तो वो सारे वेपर आ जाते हैं ठंडी की तरफ, आइस की तरफ, जिसकी वजह से जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वेपर अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, भाई ठंडी की तरफ आ गए,
तो जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं क्योंकि वेपर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। समझ में आ गया है? तो आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।